धोनी की चाल पड़ी मुंबई इंडियंस पर भारी, चेन्नई से मुंबई की टीम फिर से हारी, रोहित शर्मा हो गए परेशान, मुंबई इंडियंस का हो गया काम तमाम। आईपीएल 2023 का 49वां मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला गया। इस मैच में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने मुंबई इंडियंस को 6 विकेट से मात दी। ये सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स की मुंबई इंडियंस के खिलाफ लगातार दूसरी जीत रही। इस मुकाबले में धोनी की एक चाल मुंबई इंडियंस पर भारी पड़ गई। धोनी की इस एक चाल ने रोहित को किया परेशान और मुंबई इंडियंस का हो गया काम तमाम। चलिए आपको बताते हैं कि कैसे धोनी की एक चाल मुंबई पर पड़ गई भारी और चेन्नई की टीम ने फिर से बाजी मारी। चेपॉक के अपने होम ग्राउंड में वैसे तो हमेशा से ही चेन्नई सुपर किंग्स का जलवा रहा है, लेकिन मुंबई इंडियंस के खिलाफ इस टीम को लंबे समय से अपने घर में जीत नहीं मिली थी। आखिरी बार चेन्नई ने 2010 में मुंबई इंडियंस को चेपॉक में हराया था। उसके बाद से लगातार 6 बार मुंबई की टीम ने चेन्नई को मात दे दी थी, लेकिन इस जीत के साथ चेन्नई ने आखिरकार 13 साल का इंतजार खत्म कर दिया और मुंबई इंडियंस को अपने घर में मात दे दी। इस मैच में धोनी का एक फैसला मुंबई इंडियंस पर पड़ा भारी। धोनी का एक फैसला पड़ा एमआई पर भारी। चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेले गए इस मैच में चेन्नई के कप्तान एमएस धोनी ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। मुंबई इंडियंस की टीम ने 20 ओवर में 139 रन बनाए और चेन्नई सुपर किंग्स को जीत के लिए 140 रनों का लक्ष्य मिला। इस चुनौती को चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने 17.4 ओवर में ही हासिल कर लिया और इस सीजन की अपनी 6ठी जीत दर्ज कर ली। लेकिन इस मैच में सबसे अहम मौका तब आया जब धोनी ने एक फैसला लिया जिसने इस मुकाबले का रुख ही पलट कर रख दिया। दरअसल धोनी ने इस मैच में टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और यही फैसला मुंबई इंडियंस पर भारी पड़ गया, क्योंकि चेन्नई के गेंदबाजों ने पावर प्ले में ही मुंबई इंडियंस के 3-3 विकेट चटका कर मुंबई इंडियंस को पावर प्ले का फायदा उठाने ही नहीं दिया। इसके अलावा धोनी ने अपने गेंदबाजों को सही तरीके से इस्तेमाल किया और बीच के ओवरों में भी लगातार विकेट चटकाए और मुंबई इंडियंस के पसीने छुड़ाए। धोनी के जाल में फंसे रोहित शर्मा। इस मुकाबले में रोहित शर्मा ओपनिंग करने के लिए नहीं आए। इस मैच में रोहित की जगह कैमरन ग्रीन ने पारी की शुरुआत की। रोहित शर्मा की जगह ओपनिंग के लिए कैमरन ग्रीन को उतारा गया, लेकिन वो दूसरे ही ओवर में आउट हो गए। फिर कप्तान रोहित शर्मा क्रीज पर आए। उन्होंने दूसरे ओवर में सिर्फ 1 गेंद खेली। तीसरे ओवर में दीपक चहर गेंदबाजी के लिए लौटे और यहाँ धोनी ने रोहित शर्मा को अपने जाल में फंसा लिया। दीपक चहर के तीसरे ओवर की 4थी गेंद पर रोहित शर्मा स्ट्राइक लेने के लिए आए और चहर की धीमी गेंद पर एक बड़ा शॉट लगाने के लिए उन्होंने कदमों का इस्तेमाल किया, लेकिन वो बड़ा शॉट नहीं लगा पाए। यहीं पर धोनी ने अपना जाल बिछाया और धोनी खुद स्टंप्स के पास आकर विकेट कीपिंग करने लगे। धोनी ने यह चाल इसलिए चली थी क्योंकि दीपक चहर की स्पीड को देखते हुए रोहित शर्मा कदमों का इस्तेमाल कर बड़ा शॉट ना लगा पाए। धोनी ने स्टंप्स के करीब आकर रोहित शर्मा को कुछ अलग शॉट खेलने के लिए मजबूर किया और वही हुआ जिसके लिए धोनी ने यह चाल चली थी। रोहित शर्मा ने अगली ही गेंद पर दीपक चहर के खिलाफ विकेट के पीछे स्कूप शॉट खेलना चाहा, लेकिन गेंद के उछाल से मात खा गए। उनके बल्ले, ग्लव्स और हेलमेट से लगकर गेंद विकेट के पीछे बाउंड्री की तरफ तो नहीं गई, लेकिन पॉइंट पर खड़े फील्डर के हाथों में जरूर चली गई और इस तरह से रोहित शर्मा ने अपना विकेट गंवा दिया। और मजेदार बात यह रही कि रोहित शर्मा इस मैच में भी खाता तक नहीं खोल पाए। मुंबई इंडियंस का हुआ बुरा हाल। सिर्फ 3 गेंदों के अंदर ही रोहित शर्मा बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। आईपीएल इतिहास में रोहित शर्मा 16वीं बार 0 पर आउट हुए, जो अब एक रिकॉर्ड है। आईपीएल 2023 में चेन्नई सुपर किंग्स ने पहले ही एक बार मुंबई इंडियंस को मात दे दी थी। ऐसे में हर कोई ये देखना चाहता था कि क्या रोहित शर्मा की टीम उस हार का बदला ले पाएगी, लेकिन यहां पर भी चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई को मात दे दी और इस सीजन की अपनी 6ठी जीत दर्ज की। इस तरह से धोनी की एक चाल ने किया कमाल और मुंबई की टीम का हो गया बुरा हाल। इस जीत के साथ ही चेन्नई सुपर किंग्स की टीम अब पॉइंट्स टेबल में 2रे नंबर पर आ गई है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या एक बार फिर से चेन्नई सुपर किंग्स की टीम आईपीएल का खिताब जीत पाएगी? क्या महेंद्र सिंह धोनी की ये टीम 5वीं बार आईपीएल की चैंपियन बन पाएगी? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही साथ ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।